मैं हूं नसीर कुरैसी और आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेब टीवी। आज सोमवार को सत्यम न्यूज बेब टीवी के सत्य सवेरा बुलेटिन में देखिए यूपी के भदोही जिले की फटाफट खबरें। अगर आपके आसपास कोई खबर तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की क्राइम ब्रांच व शहर कोतवाली पुलिस को तस्करों से जुड़े मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां राजपत्रित अधिकारी आनंद कुमार राय की सूचना पर भदोही जौनपुर जनपद सीमा स्थित धौरहरा के समीप एक वॉल्वो बस में 14 कुंतल 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इसमें चालक श्याम सुंदर खारा व मनोहर सोना साधु कुमार दिवाकर बहेरा को गिरफ्तार किया है। बस में अलग अलग बोरों में रखकर गांजों को उड़ीसा से आजमगढ़ ले जाया जा रहा था। कोतवाली भदोही में अपर पुलिस अधीक्षक ने गांजा बरामदगी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि बरामद किए गए गांजे की कीमत 1,52,00,000 है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बस की कीमत भी बताई है, कहा कि बस की कीमत 50,00,000 रुपए आकी गई है। अवैध गांजा बरामद करने वाली टीम में क्राइम ब्रांच के अजय सिंह, कांस्टेबल सचिन झा, सर्वेश राय, अनिरुद्ध दीपक यादव, नीरज यादव, सुनील कन्नौजिया, सुभाष सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय, कोतवाली भदोही हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह व मनोज राय शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गांजा बरामद करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। कुल 14 कुंटल 10 किलो जो करीब 47 बोरे में ये गांजा रखा हुआ था, बरामद हुआ है। ये वॉल्वो बस है, आंध्र प्रदेश का उस पर नंबर है। ये उड़ीसा से इन लोगों ने माल उठाया था इसको जो है, और इसको आजमगढ़ इनको डिलीवरी करनी थी। जिसको डिलीवरी करनी थी उसका भी नाम इनको मालूम नहीं है। ड्राइवर जो है पूछताछ में उसने ये बताया है कि के राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जब ये आजमगढ़ पहुंच जाते तो वहाँ पे के राजू पे फोन मिलाते और इसके बाद फिर के राजू उससे बात करते तो वो आदमी वहाँ आके उसको जो है सामान को ले लेता। तो अभी के राजू की और भी गहराई से तफ्तीश की जा रही है। जो भी है अभी 4 लोग पकड़ में आए हैं ड्राइवर सहित, और कुल 14 क्विंटल और 10 किलो का जबर। इसकी कीमत करीब 1,52,00,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। हौसला बुलंद चोरों ने एक बार फिर घर को अपना निशाना बनाया है, जहां आभूषण सहित नकदी लेकर चंपत हो गए हैं। मामला भदोही जिले के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत मोड़ बाजार का है, जहां महेंद्र कुमार नामक व्यक्ति के अपने परिवार के साथ मकान के छत पर सोने चला गया। मौका देख हौसला बुलंद चोर छत के सहारे घर में घुस गए और 88,000 रुपया नकद सहित अंगूठी, मंगलसूत्र, लॉकेट, सोने के हार जैसे आभूषण लेकर चंपत हो गए। सुबह परिजनों को जानकारी तब हुई जब घर में बिखरा पड़ा सामान देखकर दंग रह गए। चोरी की सूचना आसपास जंगल में आग की तरह फैल गई। पीड़ित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। भदोही जनपद के ज्ञानपुर का ऐतिहासिक व प्राचीन तालाब ज्ञान सरोवर की सीढ़ियां दरक रही हैं। आपको बता दें कि ज्ञानपुर जनपद का जिला मुख्यालय है और यह तालाब ज्ञानपुर की एक धरोहर है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से यह तालाब अपनी सुंदरता जहां खोता जा रहा है, वहीं रखरखाव के अभाव में सीढ़ियां भी अब दरकने लगी है। अभी कुछ समय पहले ही इस ऐतिहासिक व प्राचीन तालाब की सुंदरता बनाए रखने व साफ सफाई के लिए समूचे ज्ञानपुर के लोगों ने श्रमदान कर इस प्राचीन तालाब को साफ किया था, लेकिन बारिश के इस मौसम में तालाब की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त होते हुए दरक रही हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज सर्विस लेन व रेवड़ा फाटक राघोपुर मार्ग के दिन अब बहुरने वाले हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सहित अपना दल यस के प्रदेश सचिव ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने सर्विस लेन सहित रेवड़ा फाटक मार्ग के मरम्मत कराए जाने की मांग की थी, जिस पर सांसद भदोही डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा था। बताया जाता है कि सांसद के पत्र पर इंदिरा मिल सर्विस लेन और रेवड़ा फाटक राघोपुर मार्ग के निर्माण के लिए
धन स्वीकृत हो गया है। बताया जाता है कि सांसद के पत्र पर इंदिरा मिल सर्विस लेन और रेवड़ा फाटक राघोपुर मार्ग के निर्माण के लिए धन स्वीकृत किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग काम शुरू कराएगा। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर रोड स्थित फूलबाग मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजेश चौहान नामक व्यक्ति की पत्नी 27 वर्षीय मंजू ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी। जैसे ही विवाहिता ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला तभी समीप बैठे विवाहिता के ससुर ने पकड़ लिया और उसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिसकर्मी को दी। विवाहिता द्वारा उठाए गए इस कदम से परिजनों सहित मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पति ससुर व सास को थाने ले आई। मामला गृह कला का बताया जा रहा है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभियानपुर में मनरेगा के तहत मुरवा नदी पर कराए गए वृक्षारोपण का पौधा जहां मवेशियों का निवाला बन रहा है वहीं शरारती तत्व पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा 1000 पौधे का वृक्षारोपण किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में मुरवा नदी पर वृक्षारोपण कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस उत्साह और उमंग के साथ ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल ने इन पौधों को रोपवाया था उन पौधों को मवेशी जहां अपना निवाला बना रहे हैं वहीं कुछ शरारती तत्व इस पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत में मोरवा नदी के किनारे पे पिछले वर्ष में मैंने 2000 पेड़ मनरेगा के तहत लगवाया था और काफी पानी वगैरह देने के बाद बचाने के बाद यहाँ समस्या यह है कि मानिकपुर ग्राम सभा के निवासीगढ़ इस पौधारोपण वृक्ष को सारे जो है चरवा लेते हैं और उखाड़ करके पेड़ फेंक देते हैं ताकि उनको चराने में कोई कठिनाई न हो। और यहाँ पे कटीला पेड़ जो है लगवाए थे जंगली जो बबूल का पेड़ है वो 900 मिला था जिसमें से आज के दिनांक आज में 800 पेड़ के लगभग बचा हुआ है और बाकी जो सागवन और शीशम के पेड़ थे और जैसे जंगली पेड़ थे छायादार वृक्ष थे वो सारा जो है खा गए और उखाड़ फेंक गए। भदोही जिले के अवराई विकासखंड ग्राम सभा फौदीपुर के ग्रामीणों की जान आफत में है या आफत बना है ग्रामीणों के लिए बांध का पानी। शुभम मिश्रा, गया प्रसाद मिश्रा, देवी प्रसाद मिश्रा ने बताया कि बांध झाड़ झंखाड़ झाड़ियों व गंदगी से पटा पड़ा है जिसकी साफ सफाई नहीं कराई गई है। अब बांध का पानी गाँव के कई घरों को अपने चपेट में ले लिया है जहाँ तक बांध का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। साथ ही गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को भय है कि पानी के चलते कभी भी मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। रूस में पढ़ाई कर रहे भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र के गंगापुर तलिया गांव निवासी 24 वर्ष पवन कुमार गुप्ता नामक छात्र की मौत हो गई। बताया जाता है कि मुखलाल गुप्ता का बेटा रूस के मास्को में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पवन के दोस्तों ने परिजनों को दी तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं गांव में गम का माहौल बना हुआ है। परिजनों के इंतजार में शव मास्को के हॉस्पिटल में रखा हुआ है। भदोही जिले में एक दलित बस्ती का गांव ऐसा भी है जहां एक एक बूंद पानी के लिए आज भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं इस युग में भी कुएं के पानी से प्याज बुझाने के लिए दलित बस्ती के लोग मजबूर हैं। कुएं का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है, कुएं में कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन दलित बस्ती का लगभग 15 परिवार इसी जर्जर कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझा रहा है। आपको बता दें कि भदोही जिले का यह गाँव है डीग विकास खंड के ग्राम सभा कलनुआ का लचना बारी गांव, जहां के विजय कुमार गौतम, बाबू गौतम, रामजी गौतम व शिवाजी गौतम बताते हैं कि इस बस्ती में एक पुराना जर्जर कुआं है। कुएं के अगल बगल की मिट्टी दरक गई है जो बारिश का पानी सीधे कुएं में पहुंच रहा है। हैंडपंप की भी व्यवस्था नहीं है जिससे मजबूर होकर लोग इस दूषित
कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। भदोही जिले के इस ग्राम सभा की यह असल तस्वीर है, जहां आज भी बूंद बूंद पानी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। भदोही जिले की खिदमत फाउंडेशन माधो सिंह इस बीमारी के बीच घर गली व मोहल्लों को सैनिटाइज करवा रहा है। साथ ही खिदमत फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लिए हुए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तख्तियों पर अलग अलग जागरूकता को लेकर स्लोगन लिखवाए गए हैं। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने बताया कि समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्य खिदमत फाउंडेशन द्वारा किया जाता रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष सागर मोहम्मद, इश्तियाक मोहम्मद, वसीम, इनामुल हक, इबादत हसन, अब्दुल कादिर आदि लोग मौजूद रहे। खबर भदोही विकास खंड के ग्राम सभा हरियाव से है, जहां भदोही ज्ञानपुर मार्ग से हरियाव मिश्रान बस्ती तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। मरम्मत के अभाव में 25 वर्ष पुराना इस मार्ग पर चलना दुश्वार हो गया है। ग्राम सभा के प्रभात मिश्रा, विनोद मिश्रा, श्रीराम मिश्रा, विवेक मिश्रा, चतुर्भुज मिश्रा ने बताया कि ज्ञानपुर रोड से मिश्रान बस्ती तक जाने वाला लगभग 500 मीटर तक यह मार्ग पूरी तरह जर्जर व क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसी मार्ग से कोहरान, मिश्रान व बिंद बस्ती के लोग आते जाते हैं। कई बार इस मार्ग के मरम्मत करवाए जाने की मांग की गई, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वैश्विक महामारी को लेकर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूर भदोही जनपद में पहुंचे हैं। गैर प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूर ग्राम प्रधानों से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि ग्राम पंचायतों से इन प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। लगभग जिले के हर ग्राम सभाओं से ऐसी शिकायतें प्रवासी मजदूर लगातार कर रहे हैं। गुस्से से लाल प्रवासी मजदूर अब पंचायत चुनाव में प्रधानों का तख्ता पलट कर ही प्रदेश जाने की चेतावनी दे रहे हैं, और यह प्रवासी मजदूर गांव में चुनाव का माहौल भी बनाने लगे हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में वैश्विक महामारी के दौरान अब तक प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। प्रवासी मजदूरों के चलते वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार नए वोटरों की संख्या काफी इजाफा हो सकता है। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही हैं, वह सभी योजनाएं ग्राम प्रधानों द्वारा देने में हीला हवाली की जा रही है, और यही प्रवासी मजदूरों में गुस्से का कारण बन सकता है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 4 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का यह मामला भदोही कोतवाली इलाके के करियाव बाजार बगही गांव का है। मारपीट में एक पक्ष से राजकुमार यादव, मीरा देवी, रीता देवी व दूसरे पक्ष से विजय लाल यादव, रेखा देवी, कुसुम देवी घायल हुई हैं। दोनों तरफ से भदोही कोतवाली में तहरीर दी गई है। सभी घायलों का मेडिकल मुआयना महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। 55 घंटे के लॉकडाउन प्रतिबंध के आखिरी दिन भदोही विकासखंड के सररोही बाजार में भी सड़कें पूरी तरह सूनी नजर आई। सररोही बाजार के मेन रोड पर कुछ लोग अपने घरों व दुकानों के बाहर बैठे दिखाई पड़े, लेकिन सड़कें पूरी तरह सन्नाटी नजर आई। वैसे भी रविवार को साप्ताहिक बंदी रहता है, लेकिन 55 घंटे के लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण समूचा सररोही बाजार सन्नाटे के आगोश में रहा। अपने कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली भदोही जनपद की गोपीगंज पुलिस अब चोरी का मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए संतोष कुमार पांडे नामक व्यक्ति थाने का चक्कर लगा रहा है। जगन्नाथपुर निवासी संतोष कुमार पांडे का आरोप है कि उसके दुकान के चैनल का ताला तोड़कर चोर नगद सहित जेवरात उठा ले गए थे, जबकि इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी गई, लेकिन आज भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस बात को लेकर पीड़ित भयभीत है। मटरू महावीर मंदिर के पास में मेरा आवासीय मकान है। बृहस्पतिवार को रात 10 तारीख को
हमारे यहाँ चोरी हुई, जो कि मैं शिकायत थाना प्रभारी गोपीगंज में किया तहसील औराई। आज तक अभी तक थाने से न कभी SOI या कोई अधिकारी आकर के, सक्षम अधिकारी आकर के कोई जांच भी नहीं किए, जिससे मुझे इतनी भय व्याप्त है और चोर खुलेआम घूम रहे हैं। खबर भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के दिघवट गांव की है, जहां खेत का मेड़ काट रहे लोगों को मना करने पर लालजी यादव के परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसमें उमेश कुमार तिवारी ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उसके खेत का मेड़ कुछ लोग काट रहे थे, विरोध करने पर मारा पीटा गया। मारपीट से लालजी तिवारी, शांति देवी, पार्वती देवी व विशाल तिवारी को चोटें आई हैं। उमेश तिवारी ने इस संबंध में रमेश पटेल, मनोज पटेल, वकील पटेल, श्यामलाल पटेल, राजनाथ पटेल, ब्रजेश उर्फ टीपू पटेल के खिलाफ औराई थाने में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जिले के गोपीगंज के चकमानधाता गांव के नहर में एक नवजात शिशु का शव तैरता देख सनसनी फैल गई। तैरता हुआ शव चरवाहों ने देखा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और नहर के समीप भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण काफी देर तक UP डायल 112 का फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन नहीं मिल सका, जिससे शव बहता हुआ आगे निकल गया। यह नहर चकमानधाता से ज्ञानपुर चकवा महावीर तक जाती है। शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भदोही के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहा से सिविल लाइन जाने वाले मार्ग पर रेलवे फाटक के समीप भीषण जल जमाव के कारण सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। भदोही रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे के पावर हाउस के इर्द गिर्द भी भीषण जल जमाव हो गया है। पानी ने पूरी तरह सड़क को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे आवागमन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। भदोही जिले के चौरी व भदोही थाना क्षेत्र में हुए अलग अलग मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया। पहली घटना चौरी थाना क्षेत्र के सवरपुर गांव की है, जहां मकान से पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें लक्ष्मी शंकर व राजनाथ यादव को चोटें आई हैं। इनका आरोप है कि चंद्र प्रकाश यादव व गुड्डू यादव ने मारपीट कर घायल किया है। इसी तरह भदोही कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर में घर में घुसकर सुजीत कुमार नामक युवक को पड़ोस के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। भदोही मिर्जापुर जनपद स्थित छोटी व पुरानी काशी के नाम से प्रसिद्ध भोगाव घाट पर सफाई व स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान टीम बस एक प्रयास संगठन द्वारा चलाया गया, जिसमें वीरेंद्रनाथ पांडे, अटल भरद्वाज, शुभम मिश्रा, राज मनोज, बर्नवाल, अशोक सिंह आदि ने बताया कि प्रत्येक रविवार को माँ गंगा आरती कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। भदोही कोतवाली क्षेत्र के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत हरिरामपुर में जावेद नामक व्यक्ति के नवनिर्माण मकान से अब तक 3 बार समरसेबल पंप व स्टार्टर पर हौसला बुलंद चोर हाथ साफ कर चुके हैं, जिसमें भवन स्वामी दहशत में जी रहा है, जबकि पूर्व में 2 बार हुई चोरी की घटना की सूचना रजपुरा पुलिस को लिखित तौर पर दी गई है। नामजद तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस चोरी के मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे अब भवन स्वामी पूरी तरह भयभीत व खौफ में है। भदोही जिले के DM राजेंद्र प्रसाद व SP राम बदन सिंह ने लॉकडाउन की व्यवस्था परखने के लिए सूर्यामा व दुर्गागंज में भ्रमण किया। जायजा लेने निकले जनपद के दोनों आला अफसरों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व तमाम कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। इस दौरान उन्होंने सूर्यामा व दुर्गागंज थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सावधानी बरतने को कहें और बगैर मास्क निकलने वालों पर सख्ती से पेश आएं।
खबर भदोही जिले के गोपीगंज से है, जहां ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि को लेकर रविवार को शटडाउन सुबह 9 बजे से लिया गया था। विभाग द्वारा बताया गया था कि यह शटडाउन 8 घंटे के लिए रहेगा, लेकिन विद्युत आपूर्ति 10 घंटे के बाद शाम 7 बजे बहाल हो पाई, जिससे ज्ञानपुर सहित दर्जनों गाँव में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप रही और लोग बेहाल नजर आए। लोग उमस से भी परेशान नजर आए। अधिकतर लोगों के इन्वर्टर भी जवाब दे चुके थे। सत्यम न्यूज वेब टीवी उन तमाम जागरूक दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। हम शुक्रिया और साधुवाद भी करते हैं जो अपने आसपास गांव, गली, खेत खलिहान, शहर, नगर, मोहल्ले, गलियों की खबरों और होने वाले घटनाओं और दुर्घटनाओं को सत्यम न्यूज वेब टीवी को बताते हैं। हमारी पुनः ऐसे जागरूक दर्शकों, साहसी युवकों, किसान भाइयों से गुजारिश व अपील है कि आप अपने आसपास की खबरों पर खुद नज़र बनाए रहें और नीचे दिए गए नंबरों पर बताते रहें। इसके लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी आपका आभार व्यक्त करता है। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आदाब, नमस्कार।